में तेज बा, गांव में ओज बा, गांव में साहस बा, गांव में समर्थ बा, गांव में सम्मान बा, और गांव में देश का प्रतिनिधित्व करे वाला क्षमता मौजूद बा। यहाँ पे हमने तैयारी करवाया था इन बच्चों का, और इन बच्चों का चयन फिजिकल स्किल टेस्ट और मेडिकल इन तीनों मापदंड के आधार पर हुआ है, जिसमें भारत के कोने से हर जगह से बच्चे आए थे। आज जो आदर्श सैन्य एकेडमी जो शुरुआत इस द्वाबा क्षेत्र में हुआ, यह गागर में सागर भरने का कार्य भाई राकेश जी ने किया। ऐसे आपको पता ही है कि मेरे अनुज राजेश यादव जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके पास कितने पदक हैं, प्रदेश का सर्वोच्च अवार्ड उनको माननीय कांशीराम अवार्ड, यश भारती अवार्ड, इस सरकार ने वर्तमान योगी जी की सरकार ने हमारे घर तक 5 करोड़ रास्ता बनवाया और इस समय इंडिया टीम के कोच रह रहे हैं। बच्चों का जो आर्मी स्पोर्ट्स में चयन हुआ है उसको लेकर चयन हुआ सम्मान समारोह का आयोजन आदरणीय सैन्य एकेडमी के डायरेक्टर राकेश जी के द्वारा किया गया है, और यह पल हम लोगों के लिए बड़े गौरव और उत्साह का पल है। कैरियर एकेडमी का योगदान इस क्षेत्र में, द्वाबा क्षेत्र में बहुत आगे है और निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, और हमारे देश के नौनिहाल बच्चे आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा भी नाम होगा, बच्चों का भी नाम होगा, उनके अभिभावकों का भी नाम होगा। नेशनल स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर, एशियाड, चाहे दक्षिण एशियाई खेल कूद होगा, उसमें सभी मेडल मारेंगे। नमस्कार, प्रणाम, शस्त्रिया काल, अदाब, गौर लगता नहीं। हमारा नाम भाई अमित प्रताप मिश्र, और हम पहुंचल बाटी यूपी के संत कबीर नगर जनपद के दनघटा बिलौरी आदर्श सैन्य कैरियर एकेडमी पर, और जहाँ पे आपकी दिखावत आटी, यहाँ छोटे छोटे बच्चे और जो नौजवान है ये लोग माला पहले बाटे, और माला पहले का खुशी बा, कैसे इन लोगन के काहे सम्मानित की गई है, पूरी जानकारी यहाँ पे आदर्श सैन्य कैरियर एकेडमी के जो प्रबंधक हैं राकेश कुमार यादव जी, इनसे पूरी बात करते हैं और इन लोग की सम्मान काहे बैल है पूरा चर्चा करें। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका, आपके चैनल का। आज गांव में काबा देखते रहते हैं। कैसे यह इन बच्चों को आज सम्मानित किया गया है? आज ये जो बच्चे, जो छोटे बच्चे सम्मानित हुए हैं, यह सेना में मिशन ओलंपिक को ध्यान में रख करके सेना जो है 8 साल से लेकर 14 साल के बच्चों का सिलेक्शन, जिनको स्पोर्ट्स कैडेट ग्रुप में, आर्मी स्पोर्ट्स कैडेट ग्रुप में जाना जाएगा, और इनका चयन हुआ है। यहाँ पे हमने तैयारी करवाया था इन बच्चों का, और इन बच्चों का चयन फिजिकल स्किल टेस्ट और मेडिकल इन तीनों मापदंड के आधार पर हुआ है, जिसमें भारत के कोने से हर जगह से बच्चे आए थे, जिसमें मेडलिस्ट बच्चे थे, जो नेशनल लेवल के, स्टेट लेवल के, जिला लेवल के जो बच्चे खिलाड़ी थे वो भी आए थे। देखा जाता है कि इस पिछड़े इलाके में कहां से आपको यह सोच आ गई कि यह पिछड़े इलाके से और आप यहां पे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। इलाका नहीं पिछड़ा होता है, लोगों की सोच पिछड़ी होती है। हमारा इलाका पिछड़ा नहीं है। अब यहाँ ये बताइए कि इस जगह से, आपको पता ही है कि मेरे अनुज राजेश यादव जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके पास कितने पदक हैं, प्रदेश का सर्वोच्च अवार्ड उनको माननीय कांशीराम अवार्ड, यश भारती अवार्ड, इस सरकार ने वर्तमान योगी जी की सरकार ने हमारे घर तक 5 करोड़ रास्ता बनवाया, और इस समय इंडिया टीम के कोच रह रहे हैं, और आप जो है कोचिंग भी कराते हुए अभी जो 5-4 बच्चों को लेकर के जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया है, 4 बच्चे उत्तर प्रदेश के थे, जिन बच्चों को 1 लड़का 2.25 करोड़ रुपया, बाकी 3 लड़के 1.5 करोड़ रुपये उनको मिला। तो ऐसा नहीं सोचना, आप जो सोच बनाएंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, हमने सीमित संसाधन के अंदर। हाँ, ये जरूर है कि प्रशासन और यहाँ जनप्रतिनिधि लोग, इस पे कोई इनका ध्यान नहीं है, चाहे राजनीति के लेकर कुछ भी लोग कहें, इस पे कोई ध्यान नहीं है। ये हमारा द्वाबा इस पे पिछड़ा हुआ है कि हमारे द्वाबा में कोई एक स्टेडियम नहीं है। एक स्टेडियम अब बन रहा है, हो गया है, इसमें आदरणीय विधायक जी भी जो है उन्होंने हेल्प किया, और यहाँ युवा कल्याण अधिकारी थे अरुण पांडे जी, उन्होंने बहुत प्रयास किया। आज उनके प्रयास से जो है, मैं सबसे नंबर एक बोलूँगा तो उस अधिकारी के ऊपर कि अगर ये भी स्टेडियम आज निकल जाता, और उस पर हम लोग दिन रात मेहनत किए हैं। आदर्श सैन्य एकेडमी का मुख्य उद्देश्य क्या है? आदर्श सैन्य एकेडमी का सबसे मुख्य उद्देश्य यह है कि हम ऐसे बच्चे पैदा करें, जो बच्चे हमारे जो आज जमीन से उठ रहे हैं, इन बच्चे की दिशा ऐसे निर्धारित करें कि पहला वो बच्चा नालायक ना बने, लायक बने, माँ बाप के भी लायक बने, देश के लिए भी लायक बने, और समाज के लिए भी लायक बने। सबसे पहला उद्देश्य, जब यह उद्देश्य रहेगा तो अपने आप कामयाबी, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है, हर माँ बाप के सपना होता है मेरा लड़का कामयाब हो जाए,
बहुत गरीब होगा तो ये सोचेगा भाई मेरी बेटी अगर नहीं नौकरी पाती है तो उसकी शादी हो जाए, तो ये सपना होता है। और ये मेरा मानना है कि चाहे कितना बड़ा पैसे वाला कोई हो, चाहे कितना गरीब हो, जिसके बच्चे कामयाब हो गए उसने जिंदगी के सारे सपने पार किए। टीचर हैं, इन लोग उससे भी जानकारी लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है साहब जी, धन्यवाद आपको। ये सम्मान समारोह कौन तरीके से भेल? ये सम्मान बच्चों का जो आर्मी स्पोर्ट्स में चयन हुआ है उसको लेकर चयन हुआ। सम्मान समारोह का आयोजन आदरणीय सैन्य अकेडमी के डायरेक्टर राकेश जी के द्वारा किया गया है, और यह पल हम लोगों के लिए बड़े गौरव और उत्साह का पल है। इस क्षेत्र के लिए भी बड़े गौरव और उत्साह का पल है कि इस चार बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है आर्मी स्पोर्ट में, और 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ अग्निवीर में, और ये आपके अथक प्रयासों के माध्यम से कम और सीमित संसाधनों में आपने जो प्रयास किया है और नई ऊंचाइयों को छूने का जो आपने संकल्प लिया है, ये निरंतर पूरा होते दिख रहे हैं। और इसमें मैं चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के आसपास के जो अभिभावक हैं या जो जागरूक लोग हैं, वो लोग सहयोग और समर्थन के द्वारा आपने जो प्रेरणादायक यात्रा शुरू की है उसको सफल बनाने के लिए आपका सहयोग करें, और आप सफल हो भी रहे हैं। और बच्चों को, जो चयनित बच्चे हैं जो आर्मी में जा रहे हैं, इनको मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप देश के लिए, समाज के लिए और खुद के लिए मेडल लेकर आए, अच्छे से अच्छे पोजीशन पर पहुंचे। का बार गांव में, गांव का लड़का नहीं यार, देखा था नहीं, एकदम कमाल करत बाटे। गांव में तेज बा, गांव में ओज बा, गांव में साहस बा, गांव में समर्थ बा, गांव में सम्मान बा, और गांव में देश का प्रतिनिधित्व करे वाला क्षमता मौजूद बा। जहाँ संत कबीर नगर के दनघटा जो है पिछड़ा इलाका लोग कहेला, और आज यहाँ के लड़के कमाल करत बाटे। पिछड़ा जे कहत हुई ते खुद पिछड़ल होई। आज हम बहुत गर्व से कह सकेला कि पूरे संत कबीर नगर में शिक्षा में जी, चाहे वो IQ टेस्ट हो, चाहे वो EP टेस्ट हो, पूरे तीनों तहसील में दनघटा तहसील सबसे नंबर एक वाला। तो आज ही बचपन खरदिन का कहे आप? बस ई सब हम गुरुवन का मान सम्मान बढ़ा देना, हम सम्मान का मतलब बहुत ऊंचे चली गई ली, हम लोग बहुत ऊंचाई पे पहुंचा देना ये सब हम मन के। हाँ, क्या कहे गुरु जी? बहुत बहुत बढ़िया। आज जो आदर्श सैन्य अकेडमी जो शुरुआत इस द्वाबा क्षेत्र में हुआ, यह गागर में सागर भरने का कार्य भाई राकेश जी ने किया, और उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि इस एकेडमी के माध्यम से पूरे द्वाबा ही नहीं, संत कबीर ही नहीं, अपित पूरे यूपी से बच्चे, देश से बच्चे आएंगे और इनके यहाँ सीख करके और देश सेवा करेंगे। भैया हो संत कबीर नगर के दनघटा जैसे ने इलाका में आज आपकी बतावत ताटी कि 26 बच्चन में दर्जन से अधिक बच्चे आज यहाँ पे अग्निवीर भैया, और 4 बच्चे जो कि पूरे भारत के कोने कोने से बच्चे आए लगा, वो बच्चे 4 बच्चे अपने द्वाबा के सिलेक्शन भैया। इन लेकिन से भी बात करब, कितने मासूम बाटा, और इन लोगन से बात कर। बहुत बहुत स्वागत बा बाबू। आज ये सम्मान जो मिलल है का कहबा, कोने तरीके का सम्मान मिलल है? हम स्पोर्ट आर्मी में हुए हैं, इसके लिए ये सम्मान मिला है। स्पोर्ट आर्मी, आप जो आर्मी की जो विद्यालय है खिलाड़ियों की, उसमें आप चयनित हुए, क्या करेंगे अपने इस द्वाबा का कैसे नाम रोशन करें? हम मेडल मारेंगे, गोल्ड मेडल, इससे अपने देश का नाम हम ऊंचा करेंगे। देश का नाम, गांव से, क्षेत्र से, जिला जिला से, प्रदेश प्रदेश से देश का नाम रोशन करेंगे, या हमारे जो भविष्य है भारत के। और का नाम है बाबू? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, आज पहला सम्मान समारोह भइल है। हाँ। तो का चाहबा, कौन तरीके का सम्मान आज भइल है? स्पोर्ट कॉलेज में सिलेक्शन होने के लिए मेरा सम्मान हुआ है। हाँ। और हम देश के लिए गोल्ड मेडल। बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद की इस तरह से जो बच्चे हैं देश के प्रति किस तरह से सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति का और जिस बच्चे का अभी से देश प्रेम की भावना उनके अंदर आ जाए, वह बच्चे बहुत कुछ करेंगे। क्या कहेंगे बाबू, आज जो ये सम्मान समारोह आपका हुआ है परिजन के बीच, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। तो क्या करेंगे अब, आगे क्या करने वाले? हम अपने देश के लिए मेडल लाएंगे और अपने जिले का नाम और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। अपने देश के लिए मेडल लाएंगे, जिले और देश का नाम रोशन करेंगे। गुरु जी बात है, आपसे भी जानकारी ले, आज देखा था नहीं आपको विद्यालय के मासूम बच्चा, बहुत खुशी हो रहा है, गौरवानी महसूस कर रहे हैं। आदर्श सैन्य कैरियर एकेडमी का योगदान इस क्षेत्र में, द्वाबा क्षेत्र में बहुत आगे है और निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, और हमारे देश के नौनिहाल बच्चे आगे बढ़ते रहेंगे। मेरा भी नाम होगा,
बच्चों का भी नाम होगा, उनके अभिभावकों का भी। और भी गुरुजी हैं, आपसे भी गुरुजी जानकारी ले, जो ये दुआबा के लोग पिछड़ा इलाका कहता ना हम, और यहाँ के लेके जा करके पूरा कमाल कर पड़े, देश का सेवा कर पड़े। पूछा नहीं था, उस पर किसी का ध्यान नहीं था। अच्छा, कि खोद करके हीरे को निकाला जाए। जी, इन्होंने खोद करके हीरे को निकाला, उसको तारा। ये श्री राकेश चंद यादव जी है जी। हमारे बच्चों में ताकत की कमी नहीं है, उत्साह की कमी नहीं है, ये अवश्य जो है ये नेशनल स्तर पर, इंटरनेशनल स्तर पर, एशियाड, चाहे दक्षिण एशियाई खेल कूद होगा, उसमें सभी मेडल मारेंगे। गर्व की बात है। और यहाँ पे देखिए अग्निवीर के जो जवान बैठे, इन लोगों से भी कुछ बात कर। क्या नाम है बाबू? सत्यम सिंह। सत्यम सिंह, आज आपके सम्मानित की गई है, कौन बात के लिए? अग्निवीर में सिलेक्शन होने की वजह से सम्मानित किया गया। अग्निवीर में सिलेक्शन हो गई, लाके क्या करे? आगे देश के लिए कुछ अच्छा करना है जी। और अपने गांव और देश का नाम रोशन करना है। क्या नाम बाबू? शिवम यादव। शिवम यादव, आज किस तरह का सम्मान समारोह है? हम लोग इस सम्मान के काबिल नहीं थे। हम लोगों के गुरुजन, माता पिता और हमारे फैमिली के सदस्य, चाचा जी, हमारे जो चाचा हैं सदानंद यादव जी, उन लोगों का बहुत मदद मिला। और गुरु जी के आशीष, जो आशीर्वाद की वजह से हम लोगों को ये सम्मान मिला है। ये सम्मान हम लोगों को नहीं मिला है, ये सम्मान हमारे गुरुजनों को मिला है, हमारे माता पिता को मिला है। क्या कहेंगे? हमारा नाम हरि प्रसाद है जी। इसमें जो योगदान हम लोग के जीवन में बढ़ाने का है, वो हमारे गुरुओं का है, राकेश सर का है, और हम लोग आगे इसे बढ़ते रहेंगे गुरुओं की दया से। बस यही कहना चाहते हैं। यहाँ पे और भी अग्निवीर के जवान बैठे, इन लोगों से भी जानकारी ले। क्या नाम बाबू? हम शैलेंद्र यादव। शैलेंद्र यादव, आप सैनिक हो गए, क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे, हमारा मतलब जो है, सबसे पहले राकेश यादव जी को आदर प्रणाम करता हूँ। मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ जिनकी वजह से, वो हमारे गुरु जी राजेश यादव एंड विजय यादव जी की वजह से यहाँ तक पहुँचा हूँ। जो नौजवान रोज रोडे पर दौड़त बाटे, उनके खातिर का शब्द बा? उनके खातिर यह शब्द बा कि आदर्श सर करियर एकेडमी में आवे, कहा से परमानेंट हमनों को होके हुआ। हमारे सर जी इतना ज्ञान दिल बाटे कि हमने परमानेंट होके आए। हाँ, क्या कहो? बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका भैया। सर हमके बहुत मारते रहने हैं और उनकी वजह से हम आज फिजिकल निकल ली है, मेरिट में नाम आई। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का। और इसी तरह आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस एकेडमी में आए और इस एकेडमी का नाम रोशन करें। काका बाबू से नाम हो गई ला। धन्यवाद भैया। हमारा जो मतलब हम फिजिकल के यहाँ पर 3-4 महीने से आए थे। हमारा मतलब पहले कभी नहीं, मतलब कभी नहीं दौड़े थे हम। हमारा जब रीजन क्वालिफाई हो गया तो हम दौड़ना शुरू किए यहाँ पर। दो चक्कर दौड़ते थे तो हमारा पैर और दर्द करने लगता था, बैठ जाते थे। फिर विजय गुरु जी से कहें कोई बात नहीं, रुकी नहीं, आप धीरे धीरे चलते रहिए। फिर हमने लगातार मेहनत करते करते और हमने फिजिकल मार दिया और फाइनल में लिस्ट में हमारा नाम आ गया। लहरों से नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और यहाँ पे नौजवान बतावत आता है कि लगातार जब हम दौड़ लगावत हली हैं, दुई एक चक्कर में गोड़े में दर्द आ जाता और बैठ जाता ली। लेकिन जो विजय गुरु जी, जो इनके कोच रहा हम, इनके जबरन कहम बेटा तू दौड़ल करा और एक दिन कामयाब होगा, आज ओकर मिसाल कायम कैलन। कुछ एक पोस्टर बा, कुछ ओके हम दिखावे के कोशिश करते आपके दिखावा तटे। देखिए यादव सैन कैरियर एकेडमी है और फिजिकल शारीरिक अभ्यास की तैयारी भी कराई जाती है और कोचिंग क्लासेस, लिखित परीक्षा की तैयारी यहाँ पे होती है। फ्री मेडिकल चेकअप आर्मी रिटायर्ड डॉक्टर द्वारा किया जाता है और सभी भर्तियों के ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा मुफ्त में बा। और भैया सभी भर्तियों के हिसाब से डॉक्यूमेंट चेकअप मुफ्त बा और यहाँ साप्ताहिक OMR सीट पर एवं ऑनलाइन परीक्षा की सुविधा उपलब्ध बा। और स्पोर्ट खेल कूद, वॉलीबॉल, कबड्डी, लंबे कूद, ऊंची कूद, फुटबॉल, बैडमिंटन आदि चीज होती। और दौड़ का है 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 300 मीटर और 5000 मीटर लेकिन के दौड़ करावल जाला और तब जाकर के बच्चे आगे बढ़े। बनला चैनल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।